ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरु मंत्र और शिवधात्री अप्सरा की जो साधना है उसका प्रथम भाग आपने अभी तक जाना था। आज हम लोग लेंगे दूसरे और अंतिम भाग में किस प्रकार से इनके जीवन में आगे क्या घटित हुआ, यहां से हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इनके इस अनुभव को। गुरुजी, गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा होने के बाद मैं जब ध्यान करता था तो मुझे उसमें एक यंत्र दिखाई देता था और फिर मैंने उसे अपने कंप्यूटर में बनाकर उस पर ध्यान करने की कोशिश की। फिर मैंने माता बगलामुखी के दो रूप देखे जो गुप्त थे। मैंने उन बगलामुखी साधक से कहा कि मुझे ऐसा दिखाई देता है। उन्होंने कहा, आप सही हैं, माता का यह रूप भी है। तब से वह भी मुझे मान गया कि मैं जो है कोई साधारण नहीं हूं और जो मैं हवन कर रहा हूं उनके छोटे भाई किसी से कम नहीं है, उनमें भी ध्यान की अवस्था में देखने की शक्ति है। फिर जब यह बात हुई तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम क्यों ना जो साधक मेरे लिए हवन कर रहा है तुम उसके बारे में कुछ जानो। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, कर लेता हूँ। फिर मैंने उस साधक पर ध्यान लगाया तो मैंने बगलामुथी माता को खड़ा हुआ पाया और वह मुझसे कह रही थी कि तुम क्यों इस पर अपनी विद्या का उपयोग कर रहे हो, बिना किसी कार्य के तुम्हें रोकने की क्षमता तो नहीं है, अर्थात तुम्हारा इसी प्रकार ऊर्जा से तुम्हारा शत्रु जो होगा वो अब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे अंदर काफी ऊर्जा आ चुकी है मगर मर्यादा होती है। मैंने कहा, अब तक कोई इस तरह की जासूसी करे तो मैं उस चीज से उसकी रक्षा करने की जवाबदेही होती है। मैंने कहा, ठीक है माता। मैंने गुरुजी ध्यान में माँ बगलामुखी का जो रूप स्वरूप देखा था वह बहुत ही अधिक सुंदर था। इतना सुंदर था कि मैंने उस रूप को देखकर बहुत ही आनंदित हो गया था। मैंने कहा, माता अपने पूरे दर्शन तो करा दीजिए। तो माता ने इतना बड़ा रूप बनाया कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी, जो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, आप लोग उसको सर्च करके देख सकते हैं, उसके बारे में, माता उसके ही समान बड़ी दिख रही थी और बहुत ही दिव्य और बड़ा आकार उन्होंने ले लिया था। मेरे होश का ठिकाना नहीं था। माता एक अरब सूर्य के समान तेज वाली नजर आ रही थी। उनकी कंधों में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अलग तरह से मुड़े हुए हैं। क्या बताऊं, उनके सौंदर्य में चार चांद लगे हुए थे। माता ने कहा, मेरे मुड़े हुए केसों को देखो। और फिर मैंने सब कुछ देखा। उन केसों के बीच में अवकाश था। वहां माता के कितने सारे रूप स्वरूप और ब्रह्मांड थे। यह देखकर मैंने माता को नमस्कार किया और वहां ऋषि मुनियों और देवताओं के दर्शन भी मुझे हुए। वह 10 सूर्यों के समान तेज वाले स्वरूप वाले थे। मैंने माता का भव्य रूप देखकर उन्हें नमस्कार किया। बगलामुखी माता की शक्ति बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से माता ने मुझे दर्शन दिए थे। भगवान अपने भक्तों को अच्छी प्रकार से दंड और इनाम देता रहता है। मृत्यु दंड के लोग भागी हो जाते हैं, लेकिन माता का प्रसाद और इस प्रकार उनके दर्शन होना बड़ी ध्यान की बात थी। फिर मैंने उन बगलामुखी साधक पर ध्यान लगाकर उनके बारे में जानने की चेष्टा की, मगर बार बार मुझे गलत ही ध्यान दिखाई देता था। मैंने बगलामुखी माता से कहा कि इस प्रकार आप मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है। उन्होंने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग तो करूंगी ही। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी के बारे में यूं ही ध्यान लगाकर उसकी जासूसी नहीं करूंगा। फिर जाकर माता ने मुझे भ्रमित करना बंद कर दिया। उन्होंने मेरे भाई, जिन बगलामुखी साधक से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके भाई का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उनके लिए हवन रखा है। फिर उनका अचानक से फोन आया कि मुझे हवन के लिए कुछ, यानी कि हवन करते समय कुछ खतरनाक आकृतियां दिखाई दे रही। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने जिस चीज का फोटो खींचा और हमें दिखाया, उन्होंने कहा कि इसमें एक औरत और एक बच्चे की आत्मा दिख रही है जो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे आपके पुत्र के लिए अनुष्ठान की अवधि बढ़ानी होगी, उसके लिए मुझे सामग्री और पैसे चाहिए। फिर उन्होंने मेरे पिताजी से 14,000 रुपये मांगे। फिर पिताजी ने उन्हें
बैंक अकाउंट में उनके डलवा दी। उसके बाद 4 दिन बाद भाई ने उनको मैसेज किया कि आप हवन की फोटो व्हाट्सएप पर नहीं भेज रहे। उनका रिप्लाई आया और उन्होंने कहा कि ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा हुआ मुझे इतना परेशान कर रही है कि मुझे 104 फ़ारेनहाइट का बुखार है। वह बुरी तरह कोशिश कर रही थी अनुष्ठान भंग हो जाए, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब उन्होंने मुझे यह बात बताई कि भाई के ऊपर भयंकर तांत्रिक प्रयोग हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसकी सिद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ से अब शिवाधात्री अप्सरा साधना का किस्सा शुरू होता है। मैंने इससे पहले एक प्रयोग किया था, उसमें गुरु मंत्र का 5 बार उच्चारण करके शिवाधात्री अप्सरा के जितने अक्षर के मंत्र हैं उतनी बार मैंने मंत्र बोला और कहा कि आप मुझे सपने में या दर्शन दें या अपना परिचय अवश्य दें, आपको मेरे गुरुजी की कसम है। बस यह कहकर के मैं सो गया था। मुझे सपना आया कि मेरे घर की रसोई जहां पर इलेक्ट्रिक स्विच है वहां से बहुत सारे तार निकल रहे हैं। मुझे घर में जहां जहां बिजली की स्विच है वहां वहां से भयंकर शॉर्ट सर्किट होता नजर आ रहा था। मैंने हॉल में बैठी मेरी माँ से कहा, मम्मी आग लग गई। मम्मी ने जैसे ही कहा कहाँ आग लग गई, तो देखते ही देखते वह आग न जाने कैसे गायब हो गई। मैं इस सपने का अर्थ भी जानना चाहूंगा। यहाँ पर आपके जो सपना है उसका अर्थ यह है कि माँ के माध्यम से देवी माँ ने आपके घर में जो ऊर्जा को आपने बुलाया था उसको रोक दिया था। आगे लिखते हैं, यह साधना मैंने गुरु नानक जयंती यानी देव दिवाली नवंबर माह की 30 तारीख को शुरू की थी। इसके लिए आपने जिस पेड़ की डाली का उपयोग बताया था उसके लिए वहां पर वनस्पति की नर्सरी होती है, वहां से मैं पूरा पौधा ही खरीद के ले आया। मैंने डाली काट करके पौधा किसी जगह लगा दिया और फिर उसका जो तना था वो पतले थे और मैंने गमले में उसको स्थापित कर साधना करने लगा। मैंने यह संकल्प लेकर साधना की कि हे माता, मेरे पिताजी के शत्रु के कारण हमारा दिन बहुत ही तेजी से नष्ट हो जाता है, कृपया मैं आपकी साधना धन के लिए और अन्य सुखों के लिए कर रहा हूं। अब यहां से मुझे अनुभव होने शुरू हो गए। साधना 21 दिन की थी मगर इसमें हवन भी करना था, मगर हवन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वह मेरे लिए जुटाना असंभव था। मैंने अब उनसे संकल्प में कहा कि मैं हवन की जगह आपका दुगना मंत्र जाप करूंगा। मैंने 2 समय चुने इसके लिए, दोपहर और रात का 9:30 बजे के बाद का समय। पहले दिन जब मैं जाप करने बढ़ा तो दोपहर हो गई थी और कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर रात के समय अचानक मंत्र जाप किया, बिस्तर पर सोने चला गया। मुझे लेटेस्ट सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा नहीं हुए, अचानक मेरे बोलने और सुनने और कुछ हिलने डुलने और आंखें हिलाने तक की सारी क्षमताएं अचानक से बंद हो गई। चारों तरफ एक अंधकार सा छा गया। उसमें से एक खूबसूरत स्त्री मुझे दिखाई दी। वह मुझे सिर्फ आधे सेकंड के लिए ही दिखाई दी थी। मैंने सोचा शायद कि यक्षिणी अप्सरा साधना जो साधना करते हैं उन्हें भी ऐसा ही अनुभव पहले होता होगा। यह मैंने जाना। पहले दिन से तीसरे दिन तक मुझे सिर के बीच जहां आज्ञा चक्र होता है, सिर के बीचों बीच वहां मुझे बहुत खिंचाव महसूस हो रहा था। यह आज्ञा चक्र का प्रभाव होता है जिसकी वजह से ऐसा अनुभव आपको होता है। बीच बीच में गुरुजी, मैं जिस रूप में साधना कर रहा था वहां पर चावल की बोरियों के खाली कवर हमने एक विशेष स्थान पर बनाए थे। वह बहुत ही अंदर की ओर एक गुफा की तरह वहां पर मैंने रखे हुए थे। खाली कवर चावल की बोरी में वह न जाने कैसे कोई गिरा देता था। अब मुझे साधना करते करते तीसरा दिन हुआ तो यह रात का समय 7 बजे के आसपास बैंक से फोन आया कि आपके खाते में अकाउंट में 4,050 रुपये जमा हुए हैं गलती से, इसीलिए आप कृपया बैंक पर कुछ कागजात दस्तखत करके उन पैसों को वापस लौटाने में हमारी सहायता करें। फिर मैंने अपनी जिस बैंक में मेरा खाता है वह बैंक मेरे घर के नजदीक ही है, मैंने वहां जाकर देखा कि बैंक तो चालू थी यानी लाइट चालू थी। फिर पिताजी ने कहा कि बैंक बंद होने से पहले बैंक के स्टाफ को बैंक की रखरखाव भी करना होता है, इसलिए वह थोड़ा लेट हो जाते हैं घर और इसलिए बैंक देर से बंद होता है। पिताजी ने कहा, वैसे तुम इन पैसों को रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी के बिना ये बैंक वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, पिताजी कि यह मेरी मेहनत से पैसे नहीं है, तो पिताजी ने मुझसे कहा, तुम्हें से यही आशा थी, आप लोग कहेंगे कि पैसे आए तो क्यों नहीं रखे। मैंने उन्हें कहना चाहता हूँ कि जो अपने हक का नहीं है उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, तो आगे जाकर हमें उसका फल जरूर देखने को मिलता है। फिर मैंने शिवाधात्री अप्सरा से प्रार्थना की, हे माँ शिवाधात्री, मुझे आपसे ऐसे धन नहीं चाहिए, मुझे इस प्रकार चाहिए कि जब मैं कोई कार्य करूं तो मुझे उस कार्य में सफलता से धन चाहिए जो मैं आगे भविष्य में करूंगा। फिर मैंने वो पैसे लौटा दिए, इसका बाकायदा प्रमाण भी मेरे पास है जो मैं आपको इस ईमेल में भेज रहा हूं, और यह प्रमाण है उनको आप पब्लिक ना करें। सिर्फ गुरु जी, आप अगर कोई शिष्य गुरु मंत्र का है और वह देखना चाहते हैं सिर्फ उसी को ही दिखाइए,
आलतू फालतू लोगों को यह साधना ना दीजिए और ना ही उन्हें यह प्रमाण दिखाइए। यह था दूसरा चमत्कार शिवाधात्री अप्सरा का। फिर पांचवें दिन मुझे सपना आया कि एक हनुमान जी का मंदिर है जो अंडरग्राउंड बना है। वहां पर एक दुष्ट जिसका चेहरा कुछ राक्षस टाइप का है, काला और सफेद, आंखें बड़ी बड़ी सफेद और साधु के भेष में है, मेरी जाप माला छीनने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे धक्का देकर भगा दिया और मैंने बोला, हे माँ पराशक्ति, यह क्या है, मेरा सपना टूट गया। और देखा कि मुझे पेशाब लगी थी और मैं पेशाब करके फिर सो गया। तो इस प्रकार भी अनुभव होते हैं, और इस तरह के अनुभव जब होते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि बुरी शक्तियां आपके साधना या जाप को लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 8 तारीख को मुझे एक सपना आया कि बिहार में जो लोग हैं उन्हें पता होगा कि देहाती इलाकों में एक तमाशे वाली होती, जिन्हें हम आधुनिक शहर के लोग बार डांसर या नचनिया के नाम से भी जानते हैं। वह मेरे यहाँ एक बहुत ही मशहूर पान पार्लर है, उस दुकान के अंदर बहुत सब बैठी हैं और मैं अपनी लेदर जैकेट पहनकर उस दुकान में बैठा हूँ। मुझे बियर जो एक शरबत की तरह दिखाई दे रहा है, मैंने उसे पिया। गुरुजी, मैं घर में शराब को हाथ भी नहीं लगाता, हमारा परिवार शराब पीने में सख्त खिलाफ है, इस सपने का भी अर्थ बताइए। इसका अर्थ ये है कि आपको तामसिक शक्तियां अपनी ओर खींचने के लिए आपके अंदर ऐसे जो है प्रभाव डाल रही हैं, जिसकी वजह से आप गलत दिशा पकड़ लें और गलत चीजें करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद हमारे पड़ोसी कुछ बच्चे जो है दोपहर को हमारी छत पर उत्पात मचा रहे थे, जो मेरी साधना में बाधक बन रहे थे, क्योंकि वह लोग बहुत ही शोर करते हैं। मैंने उन्हें फिर डांटा और भगा दिया। मेरी छत चाइना मोजेक से बनी हुई, चाइना मोजेक यानी सफेद बाथरूम टाइल्स के टुकड़े से बनी हुई, वो छत टूटी हुई एक जगह से, अगर आप चाहें तो बहुत ही आवाज वो करती है। 11 तारीख की दोपहर को मैं बाकायदा मंत्र जाप कर रहा था और बच्चे खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे, मुझे सुनाई दे रहा था। और जब मैं मंत्र जाप निपटा के अचानक से दरवाजा खोला तो वह एकदम से आवाज आना बंद हो गई। वहां पर कोई नहीं था, ना ही, यह मेरा सबसे भयंकर और अभी तक का भयंकर आश्चर्यजनक अनुभव था, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। शिवरात्रि अप्सरा की जब मैं साधना कर रहा तो मैंने देखा कि नकारात्मक ऊर्जा मेरे भाई के पीछे पड़ी है, वह मुझ पर भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रही, क्योंकि मैंने अपने भाई को आपकी धर्म रहस्य मेंबर वाली वीडियो में जो आपने शिव रक्षा कवच बचाया था वह बनाकर मैंने अपने भाई को पहना दिया था। गुरुजी, मैंने देखा कि जो हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके बीच एक जगह बनती है, साधारण भाषा में बताओ तो आप 4 गोलों का स्क्वायर आकार, यानी कि जैसे एक डिब्बे का आकार चौरस होता है, वैसे अगर रख दें तो उन गोलों के बीच एक अवकाश होगा, ठीक है, वैसे ही हमारी हड्डियों के बीच में भी अवकाश होता है। वहां पर नकारात्मक शक्ति दर्द पैदा करती है, और दर्द भी ऐसा गुरुजी जाने कि हमारे शरीर में अगर इंजेक्शन के माध्यम से कोई दवा डाले तो वह दवा हमारे शरीर के रक्त के माध्यम से जिस प्रकार भ्रमण करती है वैसा ही दर्द उत्पन्न करती है, तो जो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रही थी। मैंने जब अपने भाई से पूछा कि तुम इस प्रकार दर्द होता है तो क्या, तो उसने कहा, हाँ भाई, तुमने सही पकड़ा है। भाई ने कहा, ठीक है, अच्छा, तुम मेरी पीड़ा को समझ गए हो। जब भी दर्द होता ऐसा तो मैं शिवाधात्री अप्सरा को याद करता और उनके मंत्र का स्मरण करते, जाने वह मेरे शरीर में सूक्ष्म रूप से चल रही है और जहां दर्द है वह जगह नकारात्मक शक्ति आने की चेष्टा कर रही, तो उस जगह लात मार के भगा देती थी, जो कि एक सुखद अनुभव मेरा होता था। और घर में कभी कभी किसी सदस्य कोई पीड़ा हो रही होती शारीरिक रूप से, तो मैं जब उसका मंत्र का स्मरण कर उस हिस्से पर अपनी उंगली फेर आता तो वह दर्द वहां का गायब हो जाता था। और जब भी मुझे भी किसी शरीर की कुछ गतिविधि अलग नजर आती, जैसे कि पेट में गुड़गुड़ होना, तो वहां ही ऐसा करता था और वह अंग स्वस्थ हो जाता था और सुचारू रूप से कार्य करने लगता था। 17 तारीख को जब मैं रात के समय मंत्र का जाप करके सोया तो मुझे सपना आया कि एक दारू बनाने की फैक्ट्री है और वहां फैक्ट्री के आसपास एक ऑफिस है और ऑफिस के डेस्क के बाजू में एक पलंग है। मैं वहां पर लेटा हुआ था और मैं उठकर सामने देखा तो पिताजी ऑफिस की जो है कुर्सी पर बैठे हुए थे, मम्मी उनके बगल में खड़ी थी, सामने दो खुशी से दो आदमी बैठे हुए थे और वहां मेरे पिताजी से बात कर रहे थे। पिताजी ने उनको दारू ऑफर किया और मेरे पिताजी ने भी उन्हें दारू ऑफर किया, ऐसा मुझे सपना आया। कृपया गुरु जी यह सपने का अर्थ बताएं। देखिए, यहां पर भी यही चीज है कि नकारात्मक शक्तियां बराबर ही प्रयास कर रही हैं कि आप दिशा से भटक जाएं और तामसिक कार्यों को करना और उनके ही जैसे भोजन लेना और ग्रहण करना शुरू कर दें। फिर 18 तारीख को फिर से चावल की बोरियां गिरने की घटना हुई। फिर साधना करने के बाद जब गुरु जी जिंदगी बदल सी गई, जो चाहिए था वो हो रहा है, मेरे किसी प्रकार में कोई रुकावट नहीं आ रही, जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है। मैं नहीं जानता कि मुझे इनकी सिद्धि मिली है या नहीं, मगर इनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त हो गई है।
जब मेरे लिए यही भी पर्याप्त है। गुरु जी, मैंने आपकी दुर्गा सप्तशती में शिवा धात्री शब्द का अर्थ देखा तो वह था शिवा यानी शिव की शक्ति, धात्री यानी सभी प्रपंचों को धारण करने वाली शिव ज्योति, अफसाने सभी षड्यंत्र सफल कर दिए और यह सभी षड्यंत्र नाकामयाबी को कर देती है, यानी उनके सब जो है षड्यंत्रों को नाकाम कर देती हैं। जिस बगलामुखी साधक को कोरोना वायरस के कारण पूरे एक महीने तक उसके पूरे अपार्टमेंट में क्वारंटाइन होना पड़ा था, मैंने उसको फोन किया था, उन्होंने कहा वायरस क्या होता है यह भी हम लोग भूल चुके हैं, और मुंबई जैसे महानगर में लोग छोटी मोटी बात वर्षों तक की जाती है तो महामारी की बात वहां कोई कर ही नहीं रहा, यह चमत्कार है। और मैंने उस बगलामुखी साधक से पूछा कि उस घटना के बाद वहां पर फिर उसकी चर्चा हुई नहीं। गुरु जी, मैं पहले अप्सरा जैसी शक्तियों को हल्के में ले रहा था तो क्या कार्य करेंगी मेरा, मगर इस साधना के बाद मेरा नजरिया ही बदल गया है। कोई शक्ति बड़ी या छोटी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। एक अप्सरा इतनी शक्तिशाली होती है तो भैरवी कितनी खतरनाक और शक्तिशाली होगी, इसलिए मैंने सोचा कि भैरवी साधना में कुछ समय लेकर ही करूंगा जब मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं और मेरे पास उपयुक्त समय होना भी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, गुरुजी आप ढूंढ रहे थे ना कि किसी गुरु मंत्र साधक को वो कुछ सिद्धि वगैरह का ज्ञान हो या सिद्धि की हो तो उसके माध्यम से अन्य शिष्यों को भी सिखाया जाएगा, तो मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं और उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। गुरु जी, मुझे नंबर चाहिए होगा और किसी विशेष वार के समय में ही मैं किसी शिष्य को इसके बारे में सिखा सकूँगा, और जो भी इसके माध्यम से धनराशि होगी आपका वह मैं आपको अर्पित कर सकूंगा। इस प्रकार से जो भी डर या भय या इस तरह की शक्तियां होंगी उनके माध्यम को मैं उनमें सिद्धि करवाने की कोशिश करूंगा, और मैं यहां पर शिवा धात्री अप्सरा की सिद्धि करवाने की पूरी चेष्टा करूंगा ताकि लोगों को इसकी सिद्धि प्राप्त हो और इसका प्रभाव और विभिन्न प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त हो। ये मेरा अटैचमेंट है गुरुजी, जिसको मैंने आपको भेजा है कि देखिए मेरे अकाउंट में 4,050 रुपये किस प्रकार से आए थे, मैं यहाँ आपको भेज रहा हूँ। आप चाहें तो इसे दिखाएं अथवा ना दिखाएं, क्योंकि यह चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं कि यह रुपए मेरे पास कहाँ से और कैसे आ गए थे, तो मैं ये सब जानता हूँ और इस प्रकार के चमत्कारों को मैं देख चुका हूँ और सिद्धियों को भी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है तो मैं इस अप्सरा की साधना उसे सिखा सकता हूं। बाकी आप सब कुछ जानने वाले हैं, और जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो यही कहना चाहूंगा कि गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लें और उसकी साधना पूरी कम लेने के बाद तांत्रिक क्षेत्र में आगे बढ़े और विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करें। आपका शिष्य रुद्रेश बंधारा। तो देखिए ये थे रुद्रेश जी का अनुभव और किस प्रकार से उन्होंने इस अप्सरा की सिद्धि की। अगर आप लोगों को भी आगे बढ़ना है तो सबसे पहले गुरु मंत्र का पूरा अनुष्ठान कर लें, उसके बाद किसी भी साधना को करें, और साथ ही साथ सभी लोग पैन कार्ड अवश्य बनवा लें, तो अगर आपके माध्यम से कोई सीखना चाहेगा तो वो आसानी से सीख सकता है। पीडीएफ के रूप में कोई भी साधना वो डाउनलोड कर सकता है, लेकिन गुरु भी चाहिए होता है, तो गुरु आप उसको बना सकते हैं जो आपका प्रिय हो, या एक एक बाद में वो आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ उस धनराशि का 40% आपके गुरु को, यानी कि जो आपका गुरु होगा उसको प्राप्त हो जाएगा अपने आप ही, और इसके बारे में भी मैं भविष्य में आपको पूरी तरह से विधान बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि सभी लोग गुरु मंत्र अनुष्ठान पूरा कर लें, जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली वो लोग गुरु दीक्षा ले लें और फिर तंत्र में प्रवेश करें। साथ ही साथ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर बनवा लीजिए ताकि आपके अगर आपको कोई धनराशि चाहिए होगी या धनराशि किसी प्रकार से कोई शिष्य देना चाहेगा तो मेरे माध्यम से उनके अकाउंट में भी आसानी से पहुंच जाए। वो कैसे होगा उसके बारे में जल्दी ही मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह खुला होगा। सभी लोग जो स्वयं के लिए आध्यात्मिक उन्नति करें और साथ ही साथ कुछ भौतिक उन्नति भी उनको अवश्य प्राप्त हो छोटी मोटी धनराशि के रूप में, ऐसा सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश मेरे द्वारा होने वाली है। अगर आपको इनका यह अनुभव पसंद आया है और साथ ही साथ अगर इनसे कोई सीखना चाहता है तो अवश्य इनसे संपर्क कर सकता है। तो ये था आज का अनुभव, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।